हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं वीनू विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की वीडियो में। आज का टॉपिक है वास्को द गामा। इनके पिता का नाम एस्तोवाओ द गामा और इनकी माता का नाम डोना इसाबेल साद्रे था। वास्को द गामा का जन्म 1460 या 1469 ईस्वी में साइंस अलेंतेजो पुर्तगाल के दक्षिण पश्चिमी तट के निकट हुआ था। इनका घर नोसा से नोरा दास सलास गिरजा घर के निकट था। इनके जन्म साल को लेकर कई इतिहासकारों में मतभेद रहता है। कोई कहते हैं 1460 और कोई कहते हैं 1469 में इनका जन्म। हमें यह पढ़ाया गया है कि भारत की खोज वास्को द गामा ने की थी, राइट? लेकिन वास्को द गामा ने भारत की नहीं बल्कि यूरोप से भारत आने वाले समुद्री रास्ते की खोज की थी। पहली बात तो ये कि भारत को खोजने की क्या जरूरत, भारत तो बहुत पुराना देश है। दरअसल इंडिया जितना आज फेमस है ना, उतना या उससे कई अधिक 1500 ईस्वी के पहले प्रसिद्ध या फेमस था। पहले भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, तो सोने की चिड़िया नाम इतना अट्रैक्टिव लगता है कि कोई भी आना चाहेगा उस देश में। लेकिन पहले यह था कि पहले आजकल के जैसे संसाधन नहीं थे, जैसे हवाई जहाज ऐसे संसाधन नहीं थे। पहले उस समय संसाधन था तो सिर्फ और सिर्फ एक सीप, वो नाव, वो भी वुड वाली नाव थी। और उस समय भारत जितना भव्य और इतना सुंदर और दिव्य था ना कि उसकी छटा देखते ही बनती थी। वैसे तो भारत में कई लोग आए, लेकिन वास्को द गामा जब भारत आए तो उनके आने के बाद भारत का पूरा इतिहास ही बदल गया। 8 जुलाई सन 1497 को वास्को द गामा लिस्बन पुर्तगाल से भारत की खोज में 170 नाविकों के दल के साथ रवाना हुए। वह भारत एक खोजी व्यापारी की तरह आए थे, मगर एक गुजराती व्यापारी का पीछा करते हुए मोजाम्बिक, मुम्बासा, मालिंदी होते हुए भारत में केरल राज्य के कोझिकोड जिले के कालीकट गाँव के तट पर पहुंचे। लिस्बन से निकले तो 170 लोग थे, लेकिन पहुंचे सिर्फ 55। कुछ की बीमारी से और कुछ की डूबने से कुल मिलाकर 120 लोगों की मौत हो गई। वास्को द गामा अपने साथ ईसाई मुस्लिम संघर्ष लेकर आए थे, जिसके चलते कालीकट को पुर्तगाल के साथ युद्ध करना पड़ा। जब वास्को द गामा कालीकट पहुंचे तो कालीकट के राजा ने उनसे कारोबार करने की संधि की। फिर 1502 में दूसरी बार वास्को द गामा भारत आए और कोची के राजा से व्यापार करने का समझौता किया। इसके तहत मसालों का कारोबार बनाए रखने की संधि की। अब मसालों में मेन काली मिर्च था। जब तीसरी बार 1524 में वास्को द गामा भारत आए तो 24 मई 1524 में एक मच्छर के काटने से मलेरिया की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। पहले तो उन्हें कोच्ची में ही दफनाया गया, बाद में 1538 में कब्र खोदी गई और उनके अवशेषों को लिस्बन पुर्तगाल ले जाया गया। भारत में 16वीं सदी से पहले हरी मिर्च की खेती नहीं होती थी। 16वीं सदी में ही हरी मिर्च को पुर्तगाली ही लेकर आए थे। वो हरी मिर्च को तो लेकर आए थे, लेकिन यहाँ से काली मिर्च ले गए। वो हरी मिर्च दे गए इंडिया को, इंडिया से काली मिर्च ले गए। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।